नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी निकलने के बाद लगातार बच्चों के दिमाग में जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर कौन सी पोस्ट सबसे बेहतर है, किसके लिए अप्लाई किया जाए, और दूसरा एक प्रश्न है कि सर सेफ जोन क्या हो सकता है। तमाम डाउट सबके दिमाग में होते हैं और मैं टीम परीक्षा प्लस की तरफ से आपके एक एक डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपके सामने हूँ। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में परीक्षा प्लस ऐप से जुड़ के आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इससे पूर्व में मैंने जो वीडियो अपलोड की आपके सेफ जोन के लिए बहुत ढेर सारा प्यार दिया, आप लोग बैच में भी बहुत ढेर सारा प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इतना ज्यादा ट्रस्ट करके आप लोग बैच से जुड़ रहे हो और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैच से जुड़ने का प्रयास करें। आते हैं हम लोग जो एक बहुत बेहतरीन वीडियो जो आपकी हाई डिमांड थी कि सर पोस्ट वाइज सेफ जोन बता दीजिए कि पोस्ट वाइज सेफ जोन हम कहां से डालें। पहली बात तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि अलग अलग पोस्ट का अलग अलग फॉर्म डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बच्चों, फॉर्म आपको एक ही डालना है। लेवल 5 CEN 5 जो है वो लेवल 5 और 6 का है और CEN जो आपका 6 आएगा वो लेवल 2-3 का है। तो CEN अभी 5 आया है इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसी कारण से ये एक एक सप्ताह का अंतराल लेके आपको दे रहे हैं और आपको एक ही फॉर्म भरना है। इसमें आपको सारे पोस्ट का प्रेफरेंस सुनना है। तब क्वेश्चन मार्क आता है कि सर जब एक ही फॉर्म में भरना है तो फिर पोस्ट वाइज आपका सेफ जोन और क्या हो गया, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जोन चूज कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि हर पोस्ट सबको सूट नहीं करता। क्यों नहीं सबको सूट करता? क्योंकि कुछ महिलाएं होती हैं, गर्ल्स होती हैं, जिनको ये रेलवे की जॉब है, इसमें नाइट ड्यूटी होती है, शिफ्ट में ड्यूटी होती है, ट्रेन में ड्यूटी होती है, बहुत रफ एंड टफ जॉब होती है, तो सबके लिए सुइटेबल नहीं है। कोई ऐसा हमारा दोस्त होता है, कोई ऐसा हमारा भाई होता है जिसको अपने घर के पास अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को ज्यादा समय देना होता है, उसके लिए अलग प्रकार की जॉब प्रोफाइल होगी। कोई महिला है, गर्ल है, उसके लिए अलग है। कोई पैसा ज्यादा कमाना चाहता है, उसके लिए अलग प्रकार की पोस्ट है। और क्योंकि ये जोन वाइज वैकेंसी है तो अलग अलग जोन में उन पोस्टों के अलग अलग पद हैं। अब आप सपोज करिए कोई ऐसा जोन चूज कर लिए जहां पे आपके हिसाब से जो आपका पसंदीदा पोस्ट है उसकी वैकेंसी नहीं है, तो वो जोन आपके लिए क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। ये बहुत कम वैकेंसी है तो जोन आपका बेकार हो जाएगा, आपकी पूरी तैयारी, आपका पूरा यहाँ पे फॉर्म भरना, सब कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा। और नौकरी लग भी गई तो वो नौकरी ना लगने से ज्यादा बदतर हो जाएगी और ऐसे में एक सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे, एक एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आप बात करूंगा CCCTS सेफ जोन के बारे में, जो आपका क्या है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये आपका देखेंगे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर मैंने यहां पे लिख रखा है। और सर्वाधिक पद यहाँ पे किसमें है? ये एक ऐसा पद है जो सबसे हाईएस्ट पद बोला जा रहा है, लेवल 6 का है, सबसे ज्यादा सैलरी वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई वाला नहीं। सैलरी तो है, अगर सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी सबसे ज्यादा है, लेकिन कमाई वाला नहीं है। इस चीज को मैं समझाता हूँ। पैसा है, आराम है, भौकाल है, सब कुछ इसमें है। तो आते हैं हम लोग बात करते हैं CEN 2024 की बात करें, CEN 5 2024, और ये आपका आज से आवेदन चालू है। हमने इससे पूर्व में आपके लिए जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी है उसकी वीडियो बना दिया है, सेफ जोन की वीडियो बना दिया है। इसके साथ में आपके जो आपके जितने भी पोस्ट वाइज हैं, पोस्ट वाइज आपका एक एक जो सेफ जोन हो सकता है वो बना दूंगा। साथ में आपके किस कैटेगरी से, किस पोस्ट से कहां पे वैकेंसी ज्यादा है, किस कैटेगरी वाइज कौन सा सेफ जोन है, एक एक चीज बता दूंगा। हालांकि एक बहुत कॉमन सा टर्म है, वैकेंसी इतना कम है तो कोई सेफ जोन और रेड जोन नहीं होता है, सभी में कट ऑफ हाई जाएगा। लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, पूर्व में भी ऐसा रहा है, अभी भी ऐसा रहा है। अगर 4-5-10 नंबर का भी अंतर होता है तो शायद आप उस बच्चे से पूछिए जिसका एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है और फिर वो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगले 5 साल तक तैयारी करता है, वैकेंसी होती नहीं और उसकी उम्र निकलती हुई चली जाती है। तो इस बात को गंभीरता से लीजिए, जोन का चुनाव भी आपके सिलेक्शन का एक कहीं ना कहीं रणनीतिक हिस्सा है, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आते हैं हम लोग बात करते हैं इस पे, अगर इस पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट एक नया पोस्ट बना है, इससे पहले रेलवे में ये पोस्ट नहीं था। अभी नया एक आपका जियो निकला था, उसमें ये बोला गया था कि जो टिकट चेकिंग स्टाफ होते हैं जिन्हें TC बोला जाता है, कॉमर्शियल क्लर्क होते हैं जो विंडो वगैरह पे बैठते हैं और साथ में जो हेडक्वार्टर DRM ऑफिस में भी कई होते हैं कॉमर्शियल क्लर्क बैठते हैं, और साथ में इंक्वायरी कम रिजर्वेशन जो क्लर्क होते हैं जिन्हें ECRC बोलते हैं, इन तीनों को मर्ज करके एक पद बनाया गया जिसे बोला गया चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये लेवल 6 का जॉब है, 35,400 बेसिक पे है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये सबसे बेहतर आपकी जॉब है जिसमें ना आपको टाइपिंग की जरूरत है और ना ही आपको इसमें किसी साइको की
जरूरत है, मतलब आप सीबीटी 1 निकालिए, क्वालिफाई करिए और आप मेरिट में आइए, सीबीटी 2 दीजिए। सीबीटी 2 में अगर आपका बेहतर नंबर है तो आपका क्या हो जाएगा, आप बढ़िया अपने मन पसंदीदा पोस्ट ये पा जाओगे, क्योंकि इस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा मारामारी होगी, इस बात के लिए ध्यान दीजिएगा। 18 से 33 पहले था, इस बार 18 से 36 साल है और कुल पदों की संख्या 1736 है। अगर 8113 पदों की बात किया जाए तो 8113 पदों में इसमें 1736 पद केवल किसके हैं, आपके सीसीटी एसके हैं। इससे ज्यादा जो पद हैं वो केवल आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर के हैं, दूसरे नंबर पे आपका यही है जिसमें सबसे ज्यादा है। मैं आपको बोला था ना कि इसमें अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल इसमें आपका 6x9 6x12 है, मतलब कि जब आपसे क्या होता है वहां पे आई टेस्ट करवाया जाता है तो आप 6x9 वाली लाइन पढ़ लो और एक आंख से 6x12 वाली लाइन पढ़ लो तो आप इसमें पास हो जाओगे, वो भी चश्मा लगा के पढ़ लो, ऐसा नहीं कि बिना चश्मा के। ये बहुत हल्का, मतलब सबसे हल्का बोला जाता है, बहुत हल्का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसमें कोई कलर विजन की जरूरत नहीं, अगर कोई कलर विजन है किसी को, कोई कलर ब्लाइंडनेस है तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इसमें एलिजिबल है। इसमें केवल बायनोक्युलर विजन का टेस्ट होता है, तो बस बायनोक्युलर विजन मतलब जो तिरछी आंखें होती हैं उसका केवल पास करना होता है, बाकी आप ग्लास लगा के अगर आपका नियर विजन 0.6 है तो भी आप भर सकते हो। तो एक बेहतरीन पद है, इसमें कोई बहुत ज्यादा एलिजिबिलिटी नहीं है, आप केवल ग्रेजुएट पास हो और उसके बाद 18 से 36 के उम्र के हो और 2 स्टेज एग्जाम है। यहां पे सबसे बड़ी बात बोलूं कि ये आपका इस बार वैकेंसी ज्यादा है, अगली बार से वैकेंसी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी इतने अच्छे पद की, क्योंकि ये पद 75% प्रमोशन का बनाया गया है, 10% लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपिटेटिव एग्जामिनेशन से होगा, एलडीसी से होगा, इंटरनल एग्जाम से, केवल 15% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा। तो इस बार 15% जब भर जाएंगे तो फिर अगले साल इसलिए पद बहुत कम आएगा, तो आपके लिए शायद यही साल का अवसर है इस पद में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जाने का। बाकी ज्यादातर पद इसके क्या होंगे, आपके एलडीसी या फिर आपके क्या होंगे, प्रमोशन से भरे जाएंगे। इसकी पोस्टिंग के बारे में बता दूं, फिर मैं आता हूं इसके स्टेट जोन के बारे में। इस पोस्ट के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जेड कैटेगरी का सिटी नहीं मिलता, या तो एक्स या तो वाई, मतलब जो मेट्रो सिटीज हैं या तो वाई कैटेगरी के सिटी हैं जिन्हें आप एबीसी में बोलते हो, ए या बी मिलता, सी कैटेगरी नहीं मिलता। इसमें जॉब रोल क्या है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें नाम ही सीसीटीएस है, चीफ कॉमर्शियल कम आपका क्लर्क कम सुपरवाइजर आपका है। सीसीसीटीएस की बात करेंगे तो यहां पे आपका पद से ही नाम है, यहां पे डिप्टी सीटीआई बन सकते हैं, ये इंस्पेक्टर रैंक का होता है। यहां पे चीफ बुकिंग पार्सल गुड्स क्लर्क आपका यहां पे होगा, इसमें सुपरविजन का भी काम होता है। डीआरएम ऑफिस में आप चीफ कॉमर्शियल क्लर्क या ईसीआरसी की तरह भी वर्क कर सकते हैं। तो वेरिएबल जॉब है, मतलब एक पद है और आपके कई सारे, आपको सीटीआई भी बनाया जा सकता है, आपको यहां पे भी ड्यूटी लगाई जा सकती है, आपको स्टेशन पे लगाई जा सकती है, आपको डीआरएम ऑफिस में भी लगाई जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि वहां पे आपका जॉब रोल का रोस्टर किस प्रकार से बन रहा है, और ऐसा नहीं है कि एक बार जो लग गए जीवन भर वही रहेंगे। ऐसा हो सकता है 3-4 महीने के लिए आप क्या हैं, 3-4 महीने के लिए आप डिप्टी सीटीआई हैं, तो हो सकता है 3-4 महीने के लिए आप क्या हो जाएंगे, चीफ बुकिंग पार्सल गुड्स क्लर्क आपके उसकी तरह वर्क करेंगे। 8 घंटे की ड्यूटी होती है अगर आप ट्रेन में नहीं है, क्योंकि इसकी ड्यूटी ऐसी है कि आपको ट्रेन में भी होता है, जैसे आपको टिकट चेक करना है या कुछ आपका, जैसे डिप्टी सीटीआई हो गया जो इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, ये भी आपके ट्रेन में भी जॉब करते हैं, और ऐसा भी होता है कि आप ऑफिस में भी बैठ के जॉब करोगे, जैसे आपका डीआरएम ऑफिस वगैरह होता है। नाइट शिफ्ट इसमें होता है, हाँ भाई नाइट शिफ्ट होता है, इस कारण से महिलाओं के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें शिफ्ट जॉब होता है, मतलब कि 3 शिफ्ट, इसमें 3 शिफ्ट की जॉब होती है, तो आपकी नाइट में भी ड्यूटी लग सकती है, सुबह 6 से लेकर दोपहर 2 से रात के 10 और रात के 10 से सुबह 6 बजे तक आपकी क्या होती है, 3 शिफ्ट होती है। तीनों शिफ्ट में से कोई एक शिफ्ट मिलेगा, सप्ताह में कोई भी एक दिन आपको क्या मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, और ये इस जॉब को क्या बेकार बनाता है, क्योंकि जब ऐसे जॉब होते हैं जो शिफ्ट वाइज जॉब होते हैं, या फिर आपको यह नहीं पता होता कि निर्धारित दिन आपको कौन सी छुट्टी मिलेगी, आपको कोई जरूरी कि संडे को छुट्टी मिले, आपको हो सकता है सोमवार में आपकी वीकली ऑफ हो, या हो सकता है आपकी जो लीव हो आपकी थर्सडे में हो, तो ऐसे में आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, ऐसे में आपका डेली रूटीन डिस्टर्ब होता है, फैमिली के साथ जो आपका टाइम स्पेंड है वो डिस्टर्ब होता है, और यह इस जॉब को बहुत बेकार बनाता है। ऐसे प्रकार के जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, ये हो गया, इनमें यह सबसे बड़ी बुराई होती है। लेकिन आपको क्या होता है, अलाउंसेस ज्यादा अच्छे मिलते हैं तो सैलरी बढ़िया बन जाती है। जॉब प्रोफाइल में आपको ऑफिशियल एज बेस्ट फील्ड जॉब होगा, जैसे टिकट चेकिंग में आपका टिकट चेकिंग में क्या होगा, ट्रेन और एज डिप्टी सीटीआई में हो जाएगा।
पार्सल गुड्स रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड मैनेज करना होगा कितना सामान आ रहा है कितना सामान जा रहा है, ये आपका चीफ पार्सल गुड्स क्लर्क पे हो जाएगा। सुपरवाइजिंग लोडिंग और अनलोडिंग में क्या कितना सामान लोड हो रहा है अनलोड हो रहा है वहां पे एज अ सुपरवाइजर वर्क करेंगे। और यूनिफॉर्म इसमें आपको मिलती है ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलती है जिससे आपको पावर भी दिखती है। इसमें सैलरी की बात करें तो इसमें बहुत सारे अलाउंसेस हैं, आप देखोगे तो इसमें आपका इनिशियल पे 35,400 आई है, डी आपका 50%, 17,700 एचआरडी वगैरह आपको ये एक्स सिटी है वाई सिटी है जेड सिटी है, एक्स में 30% वाई में 20% जेड में 10% तो 10,260 अगर एक्स सिटी में तो ये भी मिल जाएगा। जो टपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस है मतलब अगर आप किसी ऑफिशियल काम से कहीं जाते हो तो उसका भी आपको भत्ता मिलता है वो भी मिलेंगे। यहाँ पे टीए भी आपको मिलता है, ट्रेवल किलोमीटर अलाउंस नहीं मिलता जो आपको इस पोस्ट में मिलता है जो आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है या फिर एएलपी का होता है। तो इस कारण से एक बड़ा चंक यहाँ पे पैसा जो आता है वो यहाँ पे नहीं आता, सिर्फ अलाउंस नहीं मिलता। लीव अलाउंस जैसे अगर नेशनल हॉलिडे पे आप वर्क करते हैं तो उसका आपको भत्ता मिलता है, जैसे दिवाली पे आपने काम किया या होली पे आपने काम किया तो उसका भी पैसा एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। नाइट ड्यूटी अगर आप करते हैं तो उसका भी आपको क्या होता है पैसा मिलता है। आपका हम सपोज करो कि शिफ्ट नहीं है उसके बाद नाइट ड्यूटी लग गई, या आप जैसे डीआरएम हाउस में नाइट ड्यूटी लग गई तो उसका आपको पैसा मिलता है। और ड्रेस अलाउंसेस भी साल में आपको लगभग 12,000 तक मिलता है। तो कुल मिला के सब जोड़ लिया जाए तो ग्रॉस सैलरी 70,000 जाती है, इन हैंड सैलरी एनपीएस वगैरह कटने के बाद आपकी 64,000-63,000 के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी इन हैंड सैलरी आएगी। तो सैलरी के मामले में बहुत अच्छा है। फैसिलिटीज इसमें आपको टाइप 3 का हेडक्वार्टर होता है, टाइप 3 मतलब 3 बेडरूम आपको मिलते हैं। रेलवे हॉस्पिटल की सारी सुविधा होती है आपके और आपके जो निर्भर है उनके लिए। चाइल्ड एजुकेशन का भी यहाँ पे आपको भत्ता मिलता है और रेलवे पास आपको फर्स्ट क्लास का मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा। शुरुआत के 5 साल तक केवल 1 सीट का, उसके 5 साल के बाद आपके 3 सीट का आपको पास मिलता है, फर्स्ट क्लास एसी का मिलता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज में एडवांटेज बता दें कि इसमें अगर आप डिप्टी सीटीआई के जॉब पे नहीं हो, बाकी सारे जॉब में आपको 8 घंटे फिक्स ड्यूटी रहेगी। उसके बाद आपका जबकि डिप्टी सीटीआई में क्या होता है आपका एक्सटेंड कर दिया जाता है, आपको ओवर टाइम भी करना होता है। हाई सैलरी होती है आपने देखा ही 64,000-65,000 इनिशियल ज्वाइन करने पर, बाद में फिर इंक्रीमेंट तो हर साल लगता है। तो सोचिए आप 64,000-65,000 से स्टार्ट करें, 3-4 साल बाद आप 70,000-80,000 आप 85,000 के आसपास सैलरी उठाते हैं। नॉन सेफ्टी है, नॉन सेफ्टी मतलब कि ये है कि आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी की चिंता नहीं है, अगर ट्रेन में कुछ हो जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं आती, वो नॉन सेफ्टी। सेफ्टी मतलब जैसे आपका टेक्नीशियन का होगा, एएलपी का हो गया, अगर ट्रेन में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, जहां पे आप केयरलेसनेस नहीं कर सकते हो, बहुत सावधानी से काम करना है, वो आपकी सेफ्टी कैटेगरी होती है। नॉन सेफ्टी कैटेगरी मतलब आप चिल करके कर सकते हो, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, जबकि स्टेशन मास्टर आपकी सेफ्टी कैटेगरी की होती है, ध्यान देना। फैमिली टाइम यहाँ पे आप थोड़ा सा दे सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ होता है जब शिफ्ट वाइज होता है, बाकी आपका फैमिली टाइम यहाँ पे 8 घंटे की फिक्स जॉब है तो दे सकते हो। बाकी इसमें ट्रेवलिंग जॉब, ये ट्रेवलिंग जॉब है, अगर आप डिप्टी सीटीआई की तरह काम करोगे तो आपको ट्रेन में वर्क करना पड़ेगा, महिलाओं के लिए यहाँ पे बुरा है, उतना अच्छी जॉब नहीं है, केवल लड़कों के लिए ज्यादा अच्छी जॉब है। यहाँ पे कोई किलोमीटर अलाउंस नहीं है, मतलब कि आप डिप्टी सीटीआई की तरह आप ट्रेन में चलोगे लेकिन फिर भी आपको ये आपका किलोमीटर अलाउंस नहीं मिलेगा जो आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर या फिर एएलपी वगैरह को मिलता है, तो ये इसलिए बेकार हो जाएगा। कोई ओवर टाइम आपको भत्ता नहीं मिलता है, नाइट शिफ्ट आपकी करनी पड़ती है और इसमें प्रमोशन बहुत स्लो है, इस कारण से आपका ये क्या है, इस कारण से आपका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। अब आते हैं बात की अगर आपको ये चूज करना चाहिए कि नहीं चूज करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे में हो कि आप बहुत ज्यादा हेक्टिक भी नहीं पसंद करना चाहते हो, आपको सैलरी भी ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे शिफ्ट से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, शादी नहीं हुई है अभी या फिर कोई ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें एक आपकी पावर है, इसमें एक रिस्पेक्ट है, जहां पे आप रहोगे आपके सबॉर्डिनेट काम करेंगे आपको असिस्ट करने के लिए, जेएटीसी वगैरह सब लोग होते हैं वो आपको असिस्ट करेंगे, तो एक पावरफुल एक ड्रेस वाली एक बढ़िया यूनिफॉर्म वाली जॉब है, एक बेहतर आपको पावर मिलती है, जहां भी रहेंगे आपकी अपनी पावर रहेगी। लेवल 6 की जॉब है, अच्छी सैलरी है, इस कारण से आप इसे कर सकते हो। और वैसे भी इस कैटेगरी में जो लेवल 5-6 में है सबसे टॉप मोस्ट जॉब इसी को बोला जा रहा है, और फिर मल्टीपल जॉब आपको करने का मजा मिलेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन किस जोन को चूज करें इसको हमें पाने के लिए, अभी तो ऐसे बोलो कि सर जोन तो कोई भी चूज करें, सब में वैकेंसी है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, जैसे अगर मैं सीसीटीएस की बात करूंगा जो मैं आपको बेहतर तरीके से बनाया था, सीसीटीएस की कोलकाता में 523 वैकेंसी है, लेकिन अगर आप वहीं पे गुवाहाटी देखोगे तो 27 है केवल, आप भुवनेश्वर के देखोगे तो केवल 51 है, कुछ ऐसे भी है जहां पे बहुत कम है, जैसे अगर आप देखोगे मुजफ्फरपुर में केवल 10 है, सिलगुड़ी में केवल 12 है, ऐसे बात करोगे अजमेर में केवल आपके 14 है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब बेकार जोन होते हैं। अगर आपको सीसीटीएस ही चाहिए तो इस जोन में आपके सीसीटीएस मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपके लिए ऐसा जोन सिलेक्शन चाहिए जहां पे अगर आपके एवरेज नंबर भी आते हैं और आपको ये पद चाहिए सीसीटीएस तो आपको आसानी से मिल जाए, और इस आधार पे मैंने आपके लिए बनाया है। वैसे जब भी आप जोन का सिलेक्शन करो, मैंने आपको कई सारे पॉइंट बताए कि नौकरी की प्राथमिकता
आपकी ये डिपेंड करता है आपके तमाम पैरामीटर्स में। आपके लिए नौकरी जरूरी है, क्योंकि जो सीसीटीएस चूज करेगा उसके लिए कहीं ना कहीं उसको थोड़ा रुतबा भी चाहिए, उसको थोड़ी सैलरी भी अच्छी चाहिए, और बहुत ज्यादा हेक्टिकनेस नहीं चाहिए होगी जैसे लड़कियां हैं, या फिर कोई ऐसा नोविस है, नया लड़का है जो चाहता है कि हमें थोड़ा पढ़ने के लिए भी अतिरिक्त समय मिल जाए। मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे सिविल की तैयारी करनी है, मुझे स्टेट पीसेस की तैयारी करनी है, तो आपके लिए क्या है, फिर आप ये सीसीटीएस भर सकते हो। लेकिन अगर आपको नौकरी की प्राथमिकता है कि हमें कोई भी नौकरी मिल जाए तो भी आप क्या कर सकते हो, इसमें भर सकते हो। पसंदीदा पोस्ट अनुसार जोन, अगर आपको जोन चूज करना है तो आपके पोस्ट अनुसार जोन होगा जो मैं बात कर रहा हूं। कुल पद कितने हैं इसको भी ध्यान देना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर सीसीटीएस आप चाहते हैं तो किस जोन में आपके पद ज्यादा हैं उसे आपको चूज करना पड़ेगा। प्रीवियस कट ऑफ, क्योंकि इस वैकेंसी का कोई हिस्ट्री नहीं है तो यहां पे प्रीवियस कट ऑफ का मतलब नहीं रखेंगे, लेकिन किस जोन में कट ऑफ ज्यादा जाता है इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। घर से दूरी, जहां पे आपको जॉब मिलती है, ऐसा तो नहीं कि आप बहुत दूर में जॉब मिल जा रही है, तो ये इस चीज को भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा जोन सिलेक्शन करेंगे, और परिवार की कितनी जिम्मेदारी है आपके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि जोन आप कैसा सिलेक्शन करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई ऐसा जोन आप ज्यादा वैकेंसी देख के या कम कट ऑफ देख के या इजी कंपटीशन देख के आप अपने घर से बहुत दूर कट जोन चूज कर लो, और ऐसे में क्या होगा कि आप अगर परिवार के जिम्मेदार हो, आपके ऊपर मां बाप भाई बहन की जिम्मेदारियां हैं, तो आप 1,000-2,000-3,000 किलोमीटर घर से दूर जाने के बाद आप अपने ड्यूटी और परिवार दोनों का दायित्व सही से निभाने में बहुत असमर्थ हो जाओगे या सही से नहीं हो पाएगा, बहुत परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि परिवार की जिम्मेदारी ज्यादा जरूरी होती है और नौकरी की प्राथमिकता कम जरूरी होती है कि भाई हमें नौकरी ही मिले। बात समझ में आ रही, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं कि भाई कौन सा पोस्ट आपके लिए, कौन सा ऐसा जोन होना चाहिए जो सीसीटीएस वाले बच्चे यहाँ पे भर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे ज्यादा पद आपका कोलकाता में है, उसके बाद आप देखोगे अहमदाबाद में है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चेन्नई में है, फिर आप देखोगे तो मुंबई में 117 है, और इसी आधार पे मैंने आपका यहाँ पे एक बेहतर एनालिसिस करके यहाँ पे लाया हूँ। अब आप पे समझिएगा यहां पे कुछ चीज गलत है। ये मालदा आपका यहां पे होगा, सिलगुड़ी आपका यहां पे होगा, और गुवाहाटी आपका यहां पे होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये आपका मालदा है, इस बात को ध्यान देना, और ये आपका क्या है, ये आपका सिलगुड़ी है, ठीक है। मैप पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, इसको मैं हर मैप में करेक्ट करवा देता हूं, ठीक है। ये रेलवे की तरफ से मैप था, इसीलिए मैं इस मैप को लगाता हूं ताकि आप भी जानो कि भाई रेलवे वाले कितनी गलती करते हैं। खैर मजाक कर रहा हूं, आते हैं हम लोग यहां पे। अब जैसे मैंने बोला कि एक तो आपका कोलकाता में यहाँ की वैकेंसी ज्यादा है, दूसरी आपकी कहाँ पे है, दूसरी आपके मुंबई में है क्या, मुंबई में अगर बात करें तो मुंबई में यहाँ पे मुंबई में 117 है, तीसरा आपका कहाँ पे, अहमदाबाद और चेन्नई, ये चार जोन, एक आपका कहाँ पे चेन्नई में है और एक आपका कहाँ पे है अहमदाबाद पे। तो अगर आप यही पद चाहते हो, क्योंकि मैंने बोला इससे पहले सेफ जोन वाले में अगर आपकी केवल नौकरी प्राथमिकता है, पद प्राथमिकता नहीं है, आपको यह प्राथमिकता नहीं कि आपके घर से दूरी क्या है, जिम्मेदारी क्या है, आपको बस नौकरी चाहिए और बढ़िया पैसा चाहिए, तब आप क्या करना, तब आप ये वाला जोन चूज कर लेना। इसमें से इस जोन में से मैंने अलग अलग बता दी जो आपके घर के सबसे करीब होगा, लेकिन वही चेंज करना, क्योंकि ये जो आप टेबल देख रहे हो इस टेबल में मैंने आपको बताया है कि वही चेंज करें जो इस ब्लू पट्टी वाले में, क्योंकि रेड पट्टी वाले में क्या है, सॉरी जो रेड पट्टी वाले हैं यहां पे क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है या पद बहुत कम है, तो ऐसे बच्चे अपना जोन चेंज कर सकते हैं। जो ग्रीन पट्टी है, ऑलरेडी आपके जोन में वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो आप अपना जोन बदल के कहीं जाओगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और नीली पट्टी वाले बच्चे एक एवरेज अगर आप देखोगे तो एक एवरेज संख्या में आपकी क्या है, पोस्ट है, तो आप अपने ऊपर जाते हो जहां पे इधर के भी बच्चे आ रहे हैं, तो फालतू में आप अपना कंपटीशन बढ़ा रहे हो, दूसरे का भी कंपटीशन बढ़ा रहे हो, और आप परेशान हो रहे हो, घर से दूर भी जा रहे हो, और नीचे आप जाओगे नहीं है मुझे पता है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने से ज्यादा ही वैकेंसी वाले जोन में जाएगा, आपसे कम वाली वैकेंसी जोन में तो जाएगा नहीं। तो जो नीली पट्टी में मैंने बताया है इनको जोन चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने जोन से चेंज भरो, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस से हो, जैसे बोलो नहीं नहीं हम तो मुजफ्फरपुर ही भरेंगे, हम मुजफ्फरपुर के, तो भैया आपसे बड़ा कालिदास, आपसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं है, क्योंकि 12 पोस्ट है जिसमें 3 पद तो है ही नहीं, आपके सबसे बढ़िया गुड्स ट्रेन मैनेजर का पद ही नहीं है, आपका जेएसीटी का पद ही नहीं है, लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया पद ये भी नहीं है, लड़कों के लिए सबसे बढ़िया पद ये भी नहीं है, दोनों पद नहीं है, तो क्या लड़का क्या लड़की क्या भर के करेगा, तो इसको मूव करना पड़ेगा, कहां जाएगा, या तो जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहां जाएगा, या वहां जाएगा जो उसके घर के नजदीक है। तो भाई मुजफ्फरपुर का बच्चा कहां जाएगा, कोलकाता के आसपास, क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे ये मुजफ्फरपुर का बच्चा है, देखो यहां पे मुजफ्फरपुर है मैप में,
में दिख रहा है ये, तो इसके नियरेस्ट जोन में कौन जा रहा है, या तो आपका कोलकाता, कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, भुवनेश्वर में ठीक ठाक वैकेंसी है, आपका बिलासपुर में ठीक ठाक वैकेंसी है, मुंबई में ठीक ठाक वैकेंसी है, अहमदाबाद में ठीक ठाक है, आपका बैंगलोर में ठीक ठाक है, सिकंदराबाद में ठीक ठाक है, चेन्नई, तो कहां पे जाएगा वो बच्चा, वहां पे जाएगा जिसके घर के नजदीक है। कहां पे घर के नजदीक है, तो वो जाएगा कहां पे, वो या तो कोलकाता चूज करेगा, या थोड़ा गुवाहाटी चूज कर सकता है, थोड़ा सेफ में जाना चाहेगा, या भुवनेश्वर चूज करेगा। तो इस प्रकार उसकी सोचने की क्या होगी, इस प्रकार वो जोन का सिलेक्शन करेगा। और हर बच्चा ऐसे ही सोचेगा, अगर आप मेरे बात से एग्री हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, आप भी ऐसे सोचते कि नहीं सोचते जैसा मैं आप सोच रहा हूं, और हर बच्चा ही ऐसा सोचेगा जो मेरा अनुभव बता रहा है। तो इस कारण से आपके लिए सीसीटीएस के लिए मेरा जो आपका सुझाव है कि आपका नंबर एक पे मैंने कोलकाता रखा है, क्योंकि यहां पे कुल वैकेंसी 1382 है, समझिएगा। आप मैं कह रहा हूं कि क्योंकि सीसीटीएस के लालच में है, अगर स्कोर बढ़िया आया तो आपका पक्का मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और स्कोर थोड़ा कम भी आता है तो कोलकाता में बहुत सारी वैकेंसी है, और इस बात को ध्यान दीजिएगा कोई ना कोई पत्तू आपको मिल ही जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर सीसीटीएस आपका ड्रीम है तो आपको मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसे प्रेफरेंस में नंबर एक डालेंगे, और नंबर एक में डालने का इसका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाएगा। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ वाले जो पोस्ट आपके होंगे, या तो आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर का जाएगा, या तो सीसीटीएस का जाएगा, या स्टेशन मास्टर का जाएगा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रबल जो है, क्योंकि लड़का और लड़की एक बैलेंस, सबके लिए सबसे बेहतर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी सीसीटीएस ही बन के आ रही, चाहे सैलरी हो, चाहे जॉब हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपका भौकाल हो, हर मामले में देखा जाए तो आपका सीसीटीएस सबसे बेहतर जॉब बन के आ रही है। प्रमोशन भी हालांकि स्लो है, लेकिन अच्छा प्रमोशन है, काफी ऊपर लेवल तक जा सकते हो। तो ये आपके लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ये जोन चूज करो जो मैंने आपके लिए बताया। ऐसे अगर आप चेन्नई देखोगे तो देखो अहमदाबाद और चेन्नई में कंपेयर करो, अगर आप अहमदाबाद कंपेयर करोगे तो अहमदाबाद में 157 है, और चेन्नई में अगर आप बात करोगे तो चेन्नई में 155 है। लेकिन मैंने चेन्नई को दूसरा बोला, क्यों चेन्नई को दूसरा बोला, क्योंकि चेन्नई जोन को जब आप देखोगे तो चेन्नई यहां पे है, और जहां पे चेन्नई है उसके आसपास सिकंदराबाद में अच्छा पद है, बेंगलोर में भी अच्छा है, और तिरुवनंतपुरम कोई आना नहीं चाहता है, ठीक ठाक यहां पे भी है, तो इस कारण से साउथ में कोई नहीं आना चाहेगा, और चेन्नई में ठीक ठाक पद है, तो चेन्नई को मैंने दूसरे नंबर पर रखा है। आप देखो, जबकि अहमदाबाद की बात करोगे तो अहमदाबाद अजमेर में कम पद है, भोपाल में कम पद है, मुंबई में तो भी सीसीटीएस के ज्यादा है, लेकिन अगर बाकी इधर पूरे एरिया की बात करेंगे, इस पूरे एरिया में अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं तो अहमदाबाद में बाकी जगह से कंपटीशन ज्यादा है, इस कारण से मैंने चेन्नई से अहमदाबाद को नीचे रखा, मुंबई उसके बाद मैंने चौथे पे रखा, और फिर पांचवे पे रखा मैंने बिलासपुर। तो इसका हिसाब से आप सीसीटीएस का अपना क्या कर सकते हो, चुनाव कर सकते हो। अब रही बात की केवल क्या जॉब जोन चूज करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये बाकी शिफ्ट के बाकी पोस्ट के हैं, मैं आपको बताऊंगा अलग अलग वीडियो में। तो आप ये पहले देख लो कि हाईएस्ट कट ऑफ जोन जो प्रीवियस ईयर गया था ये है अलग अलग पोस्ट के लिए, और लोएस्ट कट ऑफ जोन आपके ये है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी बहुत बेहतर करनी होगी, और इसीलिए टीम परीक्षा प्लस आप सभी के लिए शाम को 6 बजे यूट्यूब पे साइंस की क्लास चलती है, 7 बजे आपकी जीके जीएस चलती है, 8 बजे आपकी मैथ्स और रीजनिंग चलती है, सोमवार से शनिवार तक बहुत बेहतर क्लास है, एक एक क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में फंसेगा वो है, साथ में आपकी बहुत बेहतर टीम के साथ जुड़ने का मौका मात्र ₹199 में, जैसा मैंने आपको बोला। आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए, और आप एनटीपीसी के अगर बैच से जुड़ना चाहते हैं तो एनटीपीसी का बैच अगर आप देखेंगे मात्र ₹199 में 2.0 बिल्कुल नया नवेला बैच, आपको लाइव क्लासेस, आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको क्लास की पीडीएफ, आपको बुकलेट नोट्स, आपको सारे ईबुक, अगर आप देखोगे ना हमारे उसमें जाओगे परीक्षा प्लस ऐप में तो ईबुक सेक्शन में ये सारी किताबें जो आपको नेसेसरी होती है, जो 800-900 की होती है, ये हमने केवल आपको 10-10-20-30 रुपए में उपलब्ध करवाई है, तो आप जाके इन्हें भी परचेज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोर्स से जुड़ सकते हो, परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, आप अपना मनपसंदा एनटीपीसी सीबीटी 2.0 ऐड जोड़ो, और आप इसमें अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। एक बहुत बेहतर आपके लिए ऑप्शन है, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश, भारत के किसी राज्य का बच्चा हो सबके लिए बहुत बेहतर और बहुत अच्छी तैयारी कराई जा रही है। सारे इंजीनियर्स और बहुत हाई जो आपके बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस फैकल्टी की टीम है, आपको जैसे मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, आशीष सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जीके जीएस में आपको इतनी सारी फैकल्टीज दे दिए गए, साइंस स्पेशली आपको नवीन सर को दे दिया गया, तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे तैयारी होने वाली है। बिल्कुल लेट मत करिए, परीक्षा प्लस ऐप पे जाइए, ये फीस बढ़ने से पहले आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और जो बच्चे पहले से ज्वाइन कर लिए उनको भाई बहुत बहुत आभार। बाकी आप क्या चाहते हो कि आप किस जोन का चाहते हो, या फिर आप किस पोस्ट के लिए चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई किस पोस्ट का आप चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो बनाऊं, और किस कैटेगरी का चाहते हो कि कैटेगरी वाइज आपका सेफ जोन किस कैटेगरी का बनाऊं, आप मुझे कमेंट करेंगे। आप में से जिसका कमेंट सबसे ज्यादा होगा उसकी वीडियो में सबसे पहले बनाऊंगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।